दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने वनडे और टी20 में नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा बनवाया है। वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों को अक्सर धीमी बल्लेबाजी करते हुए देखा जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ज़्यादा छक्के लगाए हैं। उन 5 महान खिलाड़ियों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का। नंबर 5, भारत के दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव, इन्होंने 184 पारियों में 61 छक्के जड़े हैं। नंबर 4, भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अपनी पारी में चौकों से ज्यादा छक्के मारना पसंद करते हैं। इन्होंने 78 पारियों में 2000 बल्लेबाजी करते हुए 66 छक्के मारे हैं। नंबर 3, क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन का नाम इस लिस्ट में नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर ने 329 पारियों में 69 छक्के जड़े हैं। नंबर 2, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों ने अपने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। महेंद्र सिंह धोनी ने 114 पारियों में 78 छक्के जड़े हैं। दोस्तों नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप विराट कोहली के फैन है तो कमेंट बॉक्स में रेड हर्ट, अगर आप बाबर आजम के फैन है तो ब्लैक हर्ट जरूर कमेंट करें। बात सही है। नंबर 1, भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लायक नहीं समझा जाता था क्योंकि वीरू पहली गेंद पर छक्का मारने की काबिलियत रखते थे। इन्होंने भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 97 छक्के लगाए हैं।